मिक्स भी है, एक केक वाला फील आता है, जेली वाला केक होता है, टूटी फ्रूटी वाला आ सकता है। देखो हर ज़्यादा क्लीन सोपी फील आता है, एक जो बोलते हैं ना हम थोड़ा सा डिटर्जेंट वाला जो एक फील आता है, ठीक है। सो डू नॉट कन्फ्यूज इट एज फखार रोज, बहुत लोगों ने ऑनलाइन इसे कन्फ्यूज करके रखा हुआ है एज फखार रोज। हेलो माई लवली एंजल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटिफुल लाइफ स्टाइल। Friends, in today's video, I'm going to introduce you all to a perfume brand called Latafa. अगर आप एक perfume lover हो तो I'm sure कि आपने सुना होगा इस brand के बारे में, but those who don't know, it's a Middle Eastern fragrance brand called Latafa. और लताफा का ये जो परफ्यूम मैं आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ उसके बारे में मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। आई रियली वॉन्टेड टू ऑर्डर दिस और मैंने एंड आई गॉट इट and from where I got it everything होगा आज के वीडियो में। so let's get quickly started with the video। तो पहले तो आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ, okay? Just look at the packaging. It is called Fakhar. Fakhar का मतलब होता है pride. If I'm wrong, please correct me in the comment section, ठीक है? Now इसके अंदर ना फ्रेंड्स तीन वेरिएंट्स आते हैं। आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक तीन वेरिएंट्स मैंने देखा है। एक जो होता है वो कंप्लीट गोल्ड में होता है, लाइक उसकी पूरी पैकेजिंग। सेकेंड है ब्लैक एंड सिल्वर एंड द थर्ड वन इज दिस रोज गोल्ड वाला वेरिएंट, ठीक है? ये वाइट एंड रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जस्ट लुक एट इट, इट्स सो ब्यूटिफुल। भी दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से सब कुछ है। एंड यहाँ पे इसका जो ऑथेंटिसिटी का जो लोगो होता है वो भी है। और ये 100 ml है, EDP है एंड इट इज़ फ्रॉम UAE, ठीक है? मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है फ्रेंड्स। और मैं इसकी पैकेजिंग आपके सामने ओपन करती हूँ एंड जस्ट लुक एट द बॉटल। ये बिल्कुल लाइक ये जो बॉटल है ना ये कम्प्लीटली मिडिल ईस्टर्न वाली बॉटल है, जैसे ना अरेबियन नाइट्स वगैरह या फिर आप वैसे टाइप की अरब कंट्रीज़ में जो आप देखते हो वैसी टाइप की बॉटल पैकेजिंग है। और यही रीज़न है कि मैं इसकी तरफ मतलब अट्रैक्टेड थी, लेकिन मुझे मिडिल ईस्टर्न वाइब्स नहीं पसंद है फ्रेगरेंस के अंदर। मतलब कि जो वो ऊद होता है, वो जो अत्तर वाली जो वाइब होती है वो मुझे पसंद नहीं है। बट इसकी बॉटल देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इसके अंदर वही टाइप की फ्रेगरेंस होगी। आई डू नॉट लाइक दैट, तो इसलिए मतलब अट्रैक्टेड भी थी, फिर भी थोड़ा सा मतलब केयरफुल भी हो रही थी बिकॉज ये प्राइसी है। मैं इसकी प्राइस भी आपको आगे बताती हूँ। बट इट्स अ ग्लास बॉटल एंड जस्ट लुक एट इट, इजंट दैट गॉर्जियस? लुक एट इट। मतलब कोई भी स्पेशल लेडी को अगर आप ये दोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइक यू नो इट विल जस्ट मेक दैट फीमेल फील सो स्पेशल। इट्स ब्यूटिफुल इन पैकेजिंग फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट इट, इट्स सो सो ब्यूटिफुल। अब ये जो है आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल गॉर्जियस रोज गोल्ड कलर में है, इवन द कैप। तो अभी स्केल्स वाला इफेक्ट देख रहे हो, ये वाला स्केल वाला इफेक्ट यहाँ पे भी है कैप के पीछे, ठीक है? सो इट्स इन वाइट एंड रोज गोल्ड काइंड ऑफ पैकेजिंग, जैसे कहा ट्रॉफी जैसा लगता है हाथ में होल्ड करते हैं तो। एंड ये जो स्केल वाली डिज़ाइन है ना ये यहाँ पे भी पैकेजिंग पे भी है। सो ओवरऑल अगर आप इसका वाइब देखो ना बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड गॉर्जियस है फ्रेंड्स। तो परफेक्ट है गिफ्ट देने के लिए, टू मेक एनीवन फील वेरी स्पेशल। सो आप ये दे सकते हो, ठीक है? अब ये जो रोज़ गोल्ड कलर है ना इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। बहुत लोग इसको बोलते हैं फखार रोज़, नहीं, इट इज़ नॉट फखार रोज़, इट इज़ जस्ट लताफा फखार, ठीक है? ये रोज़ जो है ना वो कट हो गया है, इसको रोज़ गोल्ड कहा जाता है, फखार रोज़ गोल्ड बॉटल, ठीक है? इसके वजह से भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है बहुत लोगों के दिमाग में एंड दे फील कि इसके अंदर रोज़ वाली फ्रेगरेंस होगी, इसलिए फखार रोज़। नो फ्रेंड्स, इट्स ओनली फखार। स्पेशली फेमिनाइन सेंट अगर आपको लेनी है तो आई वुड से कि व्हाइट एंड रोज गोल्ड वाला परफेक्ट है फीमेल के लिए, ठीक है? सो जस्ट लुक एट द लाइक यू नो कैप, ये इट्स प्लास्टिक और नॉट, बट अगर प्लास्टिक है तो बहुत ही हैवी ड्यूटी प्लास्टिक कैप है। और यहाँ पे भी लताफा लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। जब ये आई ना घर पे भी सब लोग इसको लाइक यू नो एक मोमेंट ले रहे थे अप्रिशिएट करने के लिए पैकेजिंग को। एंड द नोजल इज ऑल्सो रोज गोल्ड। और यहाँ पे ये जो बेल्ट है ना यहाँ पे ये लेदर है। अब बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में, तो क्विकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्प्रे कर लेती हूँ। लुक एट द एटोमाइजर, इट रियली वर्क्स वेरी वेल। वाओ। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स फ्रेग्रेंस एक्सप्लेन करने के लिए मतलब मुझे कैसी लग रही है पर्सनली, उससे पहले मैंने इसके नोट्स ब्रेकडाउन हम देख लेते हैं, ठीक है? तो इसके टॉप नोट्स में ना आपको मिल जाता है बर्गमोट, लिली, रोज एंड पोमोग्रेनेट। सो इसके अंदर रोज डाला गया है फर्स्ट नोट में ही, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब आपको आएगी नहीं। देखो आई एम ऑल्सो पर्सन हु डजंट लाइक रोज इन माई फ्रेग्रेंसेज। बहुत ही स्लाइट हिंट है इसके अंदर रोज की। द बर्गमोट, द लिली एंड द पोमोग्रेनेट टेक्स ओवर। और साथ ही साथ ना इसका जो टॉप है ना वो थोड़ा फ्रूटी भी है, तो आई थिंक इट हैज सम फ्रूट्स ऑल्सो इन द टॉप नोट्स। मिडिल में बात करें तो इसमें है जैस्मिन, हनी सकल, गार्डेनिया, पियोनीज, ट्यूबरोज, इलायंग एंड वॉट नॉट। तो मतलब जो इसका मिडिल नोट है पूरा फ्लोरल है. एंड देन यू हैव द बेस नोट्स ऑफ वनीला, वाइट मस्क, सैंडलवुड एंड एम्ब्रोक्सिन. सो ये है इसके नोट्स ब्रेकडाउन. अब फ्रेंड्स आपको क्लियरली बता देती हूँ कि मुझे ये फ्रेग्रेंस कैसी लगती है. ओके, नाउ दिस वन स्टार्ट्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही फ्रूटी स्टार्ट है, तो इसके लिए पोमोग्रेनेट है एंड बर्गमॉट लिली है, मतलब थोड़ा सा फ्रूट्स भी है, थोड़ा सा फ्लोरल भी है, लिली एंड रोज जैसे मैंने कहा. सो इट हैज़ अ फ्रेश ओपनिंग बट बहुत ज़्यादा स्वीट है. इसकी ओपनिंग आपको स्वीट ही लगेगी बट इन द फ्रेश कैटेगरी. ओके, एंड बहुत ही जेली सा आपको वाइब आएगा. जो इसकी फर्स्ट ओपनिंग है एकदम ऐसे जेली जेली जैसा लगता है. इट्स अमेजिंग फॉर अ गॉर्मांड लवर. अगर आपको परफ्यूम में गॉर्मांड नोट्स पसंद है, आंख बंद करके इसे ले लो, ठीक है. सो एक बहुत ही जेली जैसा स्टार्ट करता है बट वो जो फ्रूटीनेस का जो जेली जैसा जो है वो व्रैप किया हुआ है विद अ बुके ऑफ वाइट फ्लोरल्स. तो आप समझ सकते हो एक फ्रूट के साथ वो एक बुके भी आ रहा है आपको, एक थोड़ा सा वाइट फ्लोरल्स का. सो वैसा आपको फील आएगा, ठीक है. एंड इसका जो मिड एंड द बेस है ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड मस्की फ्रेग्रेंस हो जाता है आफ्टर लाइक 15 to 20 मिनट्स के बाद. जब ये टॉप नोट्स से आपके मिडिल और बेस नोट्स में आता है, इट बिकम्स सो क्रीमी, इट बिकम्स वेरी मस्की एंड ऑल्सो एक सोपी सा फील भी आता है इसके ड्राई डाउन में. ओके, और बात करूँ, वाओ, मतलब कि ये फ्रेग्रेंस के अंदर वो एक क्लीन सोपी वाली जो फील है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स. एंड हो सकता है किसी को ना भी पसंद आए, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ परफ्यूम्स. तो जब हम नहा के बॉडी, एक बहुत ही लग्जूरियस बॉडी वॉश से आपने बात किया हो और उसके बाद जब आप निकलते हो बाहर, तो आपको लगता है ना कि यार काश ये वाली फ्रेग्रेंस मेरी बॉडी पे और ज़्यादा लिंगर करती. वैसी वाइब्स है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा आपको क्लीन महसूस करवाती है आफ्टर लाइक 5 to 6 आवर्स. सो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा लगता होगा. लाइक आपने इसे स्प्रे कर लिया तब तो कोई अलग ही लेवल पे, अलग ही टेंजेंट पे खुलती है, उसके बाद अलग हो जाती है थोड़ी सी फ्लोरल, फिर आपको एक अलग स्टोरी पे लेके जाती है एंड लास्ट में आपको एक बहुत ही क्लीन सा वाइब देती है. तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इस फ्रेग्रेंस के बारे में. सो इट्स वेरी एलिगेंट, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड. तो ऐसी फीमेल के साथ में इसे एसोसिएट कर सकती हो, या फिर ऐसी लेडी को जो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, अपने काम से काम रखती है और अपनी प्रेजेंस को फील करवाती है. जब आपने इसे स्प्रे किया है, अगर आपने इसे ओवर स्प्रे किया भी ना, तो ये अपने आसपास एक बबल रखती है फ्रेग्रेंस की. इट प्रोजेक्ट्स, लाइक यू नो, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, इसका सियाज अच्छा है. सो जब आप रूम में एंटर करते हो ना, एंड एक प्रेजेंस फील होगी लोगों को कि यार कोई आया ना, लाइक सोफिस्टिकेटेड एक एलिगेंट लेडी ने एंटर किया है, बट दैट लेडी डजंट स्क्रीम वेरी ग्रेट अटेंशन. एक प्रेजेंस फील होगी एंड दैट लेडी इज डूइंग हर वर्क, चिलिंग. आप घर पे भी इसे लगा के रखोगे तो एक बहुत ही एलिगेंट वाइब आएगी, एक सोफिस्टिकेटेड वाइब लेकर आता है ये फ्रेग्रेंस. आई विल कैटेगराइज दिस फखार इनटू अ क्लीन फ्रेग्रेंस ऑल्सो, बिकॉज मुझे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लीन सोपी फील आता है. एक जो बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा डिटर्जेंट वाला जो एक फील आता है जब फ्रेश लॉन्ड्री करके जो कपड़े निकलते हैं उसमें से जो कैसी हल्की खुशबू आती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट नोट्स ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. हाँ, अभी मैंने लिलीज एंड जैस्मिन, ट्यूब रोज, हनी सकल, गार्डेनिया वाली फ्रेग्रेंस आ रही है मेरे हाथों में से. एंड इट हैज़ वेरी गुड वाइट फ्लोरल्स कैप्चर्ड इनटू इट. अगर आपको ट्यूब रोज पसंद है तो आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगेगी. इट हैज़ अ वेरी हैवी ड्यूटी ट्यूब रोज पुट इन इट. जैस्मिन अच्छा है बट अच्छी क्वालिटी का है, चीप वाला नहीं है. तो इसके अंदर जो हनी सकल है, गार्डेनिया है, पियोनीज़ हैं, ये सारे फ्लावर्स मेरे एब्सोल्युटली फेवरेट है. तो इसलिए मुझे ये फ्रेग्रेंस काफ़ी कैप्टिवेटिंग लगती है. और ये फ्रेग्रेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रही हूँ बट यू नीड टू, लाइक यू नो, स्निफ इट टू फील द फ्रेग्रेंस. एंड ये भी कह दूँ कि इसके टॉप नोट्स में मैंने दूसरी वेबसाइट पे देखा तो एल्डिहाइड्स भी मेंशन था. तो एक एल्डिहाइड है और एक जो बेस नोट में एम्ब्रोक्सिन डाला गया है, ये एक थोड़ा सा इस फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. बट आई वुड से फ्रेंड्स, एक बहुत ही लाइक, जब आप इसको फ्रेग्रेंस को स्प्रे करते हो फर्स्ट नोट में, ऐसा किसी को लगेगा कि, किसी के नोज को ऐसा लग सकता है कि इसमें एलमंड्स भी है, एक केक वाला फील आता है, जेली वाला केक होता है, टूटी फ्रूटी वाला आ सकता है. देखो हर एक का जो नोज है वो अलग तरीके से फ्रेग्रेंस को पिकअप करता है. मुझे जैसे लग रही है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट जब मैंने मेरे ही घर में किसी और को ये फ्रेग्रेंस स्निफ करवाई तो उनके हिसाब से इट वाज लाइक, एक को लगी बहुत ही ज़्यादा वाइट फ्लोरल ट्यूबरोज वाली फ्रेग्रेंस है, एक को लगी एलमंड केक. सो ये एक सेफ ब्लाइंड बाई तो नहीं है आई वुड से. बट अगर आपको फ्लोरल्स पसंद है, आपको गॉर्मांड नोट्स पसंद है, आपको स्वीट बिटर पंजेंट फ्रेग्रेंस भी पसंद है, तो आई थिंक आपको ये अच्छी लगेगी. ऑल्सो कह दूं कि ये वाली जो फ्रेग्रेंस है, ये हाउस ने क्लेम नहीं किया है बट बहुत लोगों ने कहा है कि ये एक बहुत ही हाई एंड लग्जूरियस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, गिवेंशी का लिंटरडिक. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. मैं बॉटल का पिक यहाँ पे आपको दे दूंगी. आई थिंक आई हैव बुचर्ड द नेम, बट मुझे नहीं आ रहा है प्रोनाउंस करने के लिए, बट यहाँ पे मैं इसकी बॉटल दे दूंगी आपको। बहुत लोगों ने इसे लाइक यू नो कंपेयर किया है टू दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, सो आप समझ सकते हो इसके अंदर कोई भी मिडिल ईस्टर्न वाइब नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई लव इट। पता है जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम वेयर किया था तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं लाइक यू नो, एंड यू फील लाइक यू नो बहुत ही ज़्यादा एरिस्टोक्रेट एंड एलीट क्लास के जो लोग जो परफ्यूम्स लगाते हैं वैसी वाइब्स हैं। इट्स वेरी प्रीमियम एंड इट्स वेरी लग्जूरियस। एक बार आपने अगर इसको स्निफ कर लिया तो आपके दिमाग में ये नोट्स रह जाएंगे एंड इट विल इम्पैक्ट यू। सो इट हैज़ अ सिग्नेचर सेंट वाला वाइब। ऑल्सो ये एक फ्रेग्रेंस है जो ऑल ईयर आप वेयर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आई थिंक ये डे टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी टूवर्ड्स अर्ली इवनिंग्स। मैं ऐसी फ्रेग्रेंस को ज़्यादातर नाइट में नहीं वेयर करूँगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वेयर कर सकते हो। ऑल्सो कि ये वाली फ्रेग्रेंस मुझे नॉन फॉर्मल इवेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है, फॉर्मल इवेंट्स के लिए नहीं है। आई फील लाइक ऑफिशियल फॉर्मल इवेंट्स होते हैं उसके लिए नहीं बनी है। दिस इज़ लाइक योर नॉन फॉर्मल ब्रांच डेट्स ऐसी है। इसमें सडक्टिव वाइज भी थोड़ी थोड़ी है। इट हैज़ डेप्थ एंड दैट्स वाई आई लव इट। मुझे ऐसी फ्रेग्रेंसेज बहुत अच्छी लगती है। ऑल्सो ऐसी टाइप की फ्रेग्रेंस मेरे कलेक्शन में नहीं थी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने इसे फाइनली खरीद लिया। ऑल्सो कि इसके लास्टिंग पावर की बात कर ले हम, तो लास्टिंग पावर इसकी 6 से 7 घंटे तो आपको बिल्कुल देखना नहीं है, ठीक है। 2 से 3 स्प्रे भी आपको 6 से 7 घंटे की लॉन्जेविटी देगा, बट इफ़ यू ओवर स्प्रे ऑल्सो ना किसी को आसपास प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि अगर आपने ओवर स्प्रे भी किया तो चल जाएगा। अगर आपने ओवर स्प्रे किया तो ये नेक्स्ट डे तक भी रहेगा आपके कपड़ों पे, इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपके वुलन क्लोथ्स हैं, अगर आपने इसको विंटर में वेयर किया तो वो आपके बॉडी के आसपास यू नो आपको वो फील आती रहेगी, विफ आती रहेगी। थम्स अप है अगर आप चूज करने का सोच रहे हो और लेने का सोच रहे हो और फिर भी थोड़ा सा डाउट है और ये वीडियो देख रहे हो ना, ग्रैब इट फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेग्रेंस कितने की है। ये जो बॉक्स पैकेजिंग है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर लिखा है 2500, ओके। अब सारी जो वेबसाइट्स होती है जहाँ पे ये मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रेट्स में मिल जाएगी। मुझे लकीली ये मिल गया था अमेजोन पे ही। सो अमेजोन से ये मैंने परचेज कर लिया थी। आई गॉट इट इन 1575 एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा डील था तो मैंने ग्रैब कर लिया। जैसे ही मुझे लगा कि यार ये रेट से तो कम में कहीं नहीं मिलेगा तो मैंने ग्रैब कर लिया। सो आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन। अगर मुझे लिंक मिलती है तो मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड येस, इट इज सेफ टू गेट इट फ्रॉम अमेजोन। बिल्कुल ओरिजिनली मिला था। और ये जो आप देख सकते हो ऑथेंटिसिटी, इसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट फॉइल था। माई एक्सपीरियंस फ्रॉम शॉपिंग फ्रॉम अमेजोन ऑल्सो वॉज गुड ओनली, बट इफ यू वॉन्ट इट इन अ लेसर प्राइस या फिर अच्छा डील चाहते हो तो ये 2-3 वेबसाइट्स है, उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ये बात मुझे इसलिए बताना है कि बहुत लोगों को लगेगा कि यार मुझे ये PR पैकेज में आया है। नो, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रेंड्स। जैसा मुझे लगा है ऑनेस्टली मैंने आपको बताया है, दिस इज परचेज बाय मी विद माई ओन मनी। ओके फ्रेंड्स, दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट द रिव्यू। आई होप दैट यू एंजॉय द इन्फॉर्मेशन। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, मज़ेदार लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। शेयर करना है अपने बाकी परफ्यूम लवर फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको मेरे और भी ऐसे परफ्यूम रिव्यूज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यहाँ पे टैग भी कर दूंगी। एंड जाने से पहले प्लीज़ भूलना नहीं, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एक न्यू विजिटर हो तो। इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी। सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलते रहें आपको, ओके। सो या दैट वॉज इट। मिलती हूँ सुपर सून आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।